हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आज बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज के टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रेडॉक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इसके अंदर हमारे पास आज डिस्कस करेंगे हम इसके सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स तो बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि द ड्रग्स एजिडो थ्रो माई माइसिडीन इज यूज फॉर यानी ओज द एजिडोडीन का उपयोग किया जाता है थर्टिकल दिया एनसीआरटी में दिया गया है एड्स ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है यानी पॉजिटिव के लिए इसको यूज किया जाता है नेक्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वन सिक्स वन एड जीरो पॉइंट सीधा थर्टिकल है इसका सिग्निफिकेंट नंबर थ्री होगा इसका भी थ्री होगा तो सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट डॉल्टन थ्योरी फेल्ड एक्सप्लेन किसको डॉल्टन ने किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मास ऑफ कंजर्वेशन को इसने एक्सप्लेन किया था और केमिकल कंपोजिशन को भी इसने कॉम्बिनेशन को भी इसने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन नहीं किया तो इसने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को नहीं किया ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट है सीओ टू की बात करें हम तो कहते हैं वन मोल कंटेनिंग वन मोल ऑफ सीओ टू कंटेन यानी CO2 का एक मोल किससे बना है अगर देखें तो इसके अंदर देखिए CO2 का एक वन मोल की बात कर रहा हूं मैं तो वन मोल के अंदर वन मोल कार्बन वन मोल कार्बन एंड टू मोल ऑक्सीजन है तो वन मोल कार्बन की अगर बात करता हूं तो ये कह रहा है कि थ्री थ्री

मोल होना चाहिए, बट ऑक्सीजन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाई दन ऑफ वाटर एक अणु द्वारा घेरा गया स्थान कितना है तो देखिए डेंसिटी जो हमारे पास होती है डी इज इक्वल टू वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है अपने पास यहां पे जबकि वन मोल होता है वन मोल वाटर है मोल वाटर तो डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वन मोल एच टू का जो मास होता है वो आपको पता है एटीन ग्राम एटीन ग्राम होता है एटीन ग्राम पर मोल होता है तो मैं d इज इक्वल टू एम अपॉन वी से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं वन मोल का तो m इज इक्वल टू डी एम हमारे पास है 18 ग्राम पर मोल अपॉन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर इसको सोल्व करते हैं तो 18 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल आता है हमारे पास ये इसकी मास वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल का कितना होगा वॉल्यूम ऑफ वन एच वो हमारे पास क्या होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो अप्रॉक्स अपने पास 3 इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब आता है यानी थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल स्टील वेसल्स एंड एंड एक्सप्लोडेड यानी एक कंटेनर लिया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके वाटर बनाया कहता है कि अमाउंट ऑफ़ वाटर प्रोड्यूस रिएक्शन रिएक्शन देखिए बेटा S2, S2 S2O, 2H2O. ये हमारे पास एक और यह सिक्सटी फोर ग्राम ले रहा है, और ये 64 ले रहा है. तो अगर मोल की बात करता हूं तो इसके अंदर मोल कितने होंगे 2 बैलेंस इक्वेशन होगी का मतलब हमारे 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 पास 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 है तो तो इसके हिसाब हिसाब से से कितने बनने चाहिए क्या क्या हो गया? पास LR हो गया गया और LR के के अगर बात करता अपने पास? Four mole. LR क्या इसको करना है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास देखिए ट्वेल्व ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स यानी अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं 24 ग्राम मैग्नीशियम 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर टू मोल एससीएल के साथ रिएक्शन करता है तो वन मोल मिलता है यानी टू मोल टू वन मोल अगर मैं इसकी बात करें हम तो वन मोल अगर मैग्नीशियम यूज करते हैं तो वन मोल हाइड्रोजन मिलता है बट यहां पे कितना ले रहा है बेटा ये ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व ग्राम और वन मोल के अंदर आपको पता है ट्वेंटी फोर ग्राम होता है यानी हाफ मोल है तो अगर ये हाफ लेगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा हाफ यानी हमारे पास तो हाफ मोल ऑफ एच टू किसका है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है equal, का मतलब उसके की बात करें। तो आपको पता है एन इज इक्वल टू क्या होता है एम इन एन फैक्टर तो हमारे पास क्या है कि n इज इकल टू क्या होगा M, n का कितना होता है टू यानी वन मोलर की अगर बात करते हैं वो जस्ट उसका डबल होता है यानी टू फॉर्म ए एल टू ओ थ्री द मासुमिनियम ग्राम यूज इन द रिएक्शन रिएक्शन के अंदर रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन देखिए प्लस ओ टू इज टू ए एल टू ओ थ्री ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है बेटा थ्री बाई टू इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं एल्यूमिनियम प्लस वन पॉइंट फाइव ओ टू इजिकल टू ए एल टू ओ थ्री देखिए हमारे पास कितना यूज कर रहा है वन पॉइंट फाइव मोल के लिए भैया एलुमिनियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास कितने मोल की जरूरत होगी तो हमारे पास ये कितना टू मोल है और टू मोल में बात करें तो वन मोल के अंदर होता है ट्वेंटी सेवन तो टू मोल में कितना होगा फिफ्टी फोर ग्राम यानी सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सी एच टू ऑन द मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज द मास ऑफ ग्राम इट्स कंपाउंडर फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला एन ये एक फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला एन पे एन क्या होता है एन होता है मोलर मास मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा तो भैया मोलर मास हमारे पास 56 दे रखा है बेटा और इंपेरिकल फॉर्मूला ये दे रखा है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 यानी कितने हो गए 14 14 का मतलब क्या लगभग फोर हो गया अपने पास तो एन की वैल्यू फोर हो गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला है सी एस टू और यह जाएगा फोर तो सी फोर एच एट सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन एड टू हंड्रेड एम एल ऑफ पॉइंट फाइव एम एन सोल्यूशन वट इज द concentration? आपको करना क्या हुई फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना है तो एम फाइनल इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन ये हमारे पास एक बेस है दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखो m1 है अपने पास टू इंटू टेन प्लस एम टू अपने पास है, into 200 upon 10 plus 200, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो 20 प्लस हंड्रेड अपॉन टू टेन यह वन ट्वेंटी अपॉन लगभग जीरो पॉइंट फाइव सेवन के आसपास फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ परसेंटेज द कार्बन इन सीओ टू यानी सीओ टू में कार्बन की परसेंटेज क्या है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन एलिमेंट जो भी है इन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल का मास कितना है यहां मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट का जो मास है इन सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है अपने पास उस सब्सटेंस में कितना है अपॉन टोटल मास टोटल मोलर मा, मास इन हंड्रेड ये फॉर्मूला होता है बेटा तो अपने पास कार्बन का होता है ट्वेल्व सीओ का होता है फोर्टी

पी और एस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मैच करना है नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन है बेटा आजकल नीट के अंदर स्टेटमेंट क्वेश्चन जरूर आते हैं तो स्टेटमेंट में क्या था मोलर मास ऑफ कैन शुगर सी ट्वेल्व में एस ट्वेंटी टू वन एटी टू वन एटी टू नहीं होता बेटा होता है थ्री फोर्टी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. तो वन मोल ऑफ कैन शुगर कंटेन सिक्स

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन का द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फॉलोइंग रिएक्शन करना है क्या इस रिएक्शन को तो पहले तो टू पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास जैसे सी टू से सी माइनस है और सेकेंड रिएक्शन है अपने पास सी एल टू टू सी थ्री माइनस करना क्या है सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करते हैं तो सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया इसके अंदर सेंट्रल एटम ये बैलेंस हो गया फिर अपन को क्या करना है ऑक्सीजन तो बैलेंस करना है शिक्स, शिक्स हो गया हमारे पास सिक्स एच टू हो गया तो ट्वेल्व एच प्लस आइन हमको ऐड करने पड़ेंगे यानी एच प्लस को हाइड्रोजन को बैलेंस कर ले एच प्लस बेसिक मीडियम है तो हमारे पास ट्वेल्व ओ एच माइनस से इसको ऐड करना पड़ेगा तो इधर भी अपने पास क्या करेंगे ट्वेल्व ओ एच माइनस तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी सी एल टू प्लस देखो सिक्स एच ये मिलके ट्वेल्व bueno बन जाएंगे और ट्वेल्व एच टू से सिक्स एच टू कट हो गया तो हमारे पास सिक्स एस टू हो गया तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास होगी ट्वेल्व ओ एच माइनस इजिकल टू सी एल ओ थ्री माइनस टू प्लस सिक्स एस टू ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई इसकी रिएक्शन हमारे पास ही अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो इधर 12 माइनस है उधर 2 माइनस है 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो भैया तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और इधर देखिए इधर इधर 2 माइनस है जीरो तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव से तो क्या हो जाएगा फाइव सी एल टू प्लस टेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टेन सी एल माइनस हमारे पास इक्वेशन बनती है तो इस हिसाब से अगर इसको दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए भैया इसको बैलेंस करने है तो बैलेंस कर दीजिए फाइव सी एल टू प्लस टेन इलेक्ट्रॉन इज इकल टू टेन सी एल माइनस अब इनको बैलेंस कर ले हमारे पास तो क्या मिलेगा देखो टेन से टेन कट गए टेन से टेन हो गया अब हमारे पास क्या बचा एस टू रिक्वायरमेंट क्या है ये कह रहा है कि कराए कितने यूज होंगे तो वाई देखिए अपने पास सी एल माइनस सी एल टू सी एल टू कितने हो अपने पास कैलकुलेट हो गए hmm, क्या चेंज हाँ टेन सी एल माइनस है टेन सी एल माइनस बैलेंस कर लीजिए बेटा इसको तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हुई सी एल टू प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस प्लस फाइव क्लिक सिक्स सी एल टू हो जाएगा ये फाइव और सिक्स सी एल टू इजिकल टू अपने पास टू सी एल ओ थ्री माइनस प्लस सी एल माइनस कितने हो गए टेन सी एल माइनस प्लस सिक्स एस टू ये हमारे पास इक्वेशन हुई अगर इसको मैं सब मिनिमाइज करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा जैसे थ्री सी एल टू प्लस सिक्स ओ एच माइनस टू सी एल ओ थ्री माइनस प्लस फाइव सी एल माइनस प्लस थ्री एस टू देखो ये इक्वेशन आई हमारे पास सिंपलेट लेना है अपने को तो हमारे पास क्या हो जाएगा X तो क्या हो गया? X अपने हो गया? 3 और y क्या हो 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 गया 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 अपने पास और यानी थर्ड ऑप्शन और ये बैलेंस प्रोसेस है पूरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट करने का तरीका क्या है बेटा देखिए यहाँ टू सी एल है यहाँ पे अगर टू सी एल है तो वन यहाँ हो गया वन हो गया मतलब सीएल की अगर देखिए तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर सकता तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है सीएल माइनस को बैलेंस करना है एक तरह से तो अगर मैं यहाँ एक्स रखता हूं खुद करके देख लीजिए या थ्री रख लो या फाइव रख लो बैलेंस हो रही है इक्वेशन डायरेक्ट रख के भी ऑप्शन रख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच कैनोट एक्स ए रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होता हो नॉट पूछा इसने अब व ऑक्साइड जो कभी रूप में कार्य नहीं करता है यानी जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता तो इसमें ये क्या है प्लस फोर में है ये प्लस फोर में है ये अपने पास प्लस फोर में है बट ये ये भी अपने पास प्लस फोर में है तो इस हिसाब से देखिए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कार्बन है तो इसका सी ओ टू सी टू रिड्यूजिंग एजेंड में यूज नहीं होता नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन एन ए एच सी एच टू और एल आई एच आपको बताइए मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है माइनस वन तो सभी मेटल हाइड्राइड है तो माइनस वन हो जाएगी सिक्सटी एट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सी CH2 टू सी टू में देखिए ये होता है ये सी एल ये सी एल इसकी वजह से माइनस प्लस वन इसकी वजह से प्लस वन इसकी वजह से माइनस वन इसकी ओवरऑल देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप गिवन आपको डाटा दे रखे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो इन इसमें कंसेप्ट क्या है कि जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा आरए होगा और जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव हाँ, इलक्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही अपना पास क्या होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर नेगेटिव है तो तो रिड्यूसिंग एजेंट इस हिसाब से अगर काउंट करें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है अपने पास इसका तो इसके अंदर ये पूछा है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोडें बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एफ एल्यूमिनियम और बी आर तो इसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का हो जाएगा अपने पास तो एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा हो गया फिर हमारे पास हो गया सबसे उससे कम किसका है इसका फिर सबसे ज्यादा किसका है बी तो सबसे अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड यानी रिड्यूसिंग पावर निकालना है तो हमको ये चेक करना है कि उसके एस का मान सबसे ज्यादा किसका है मैक्सिमम एस सॉरी नेगेटिव में ज्यादा किसका यह कह सकता हूं जिसका सबसे कम होगा चाहे नेगेटिव की बात करो या पॉजिटिव कम होगा उसका जिसका ईएसआर या एसआरपी जितना कम होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्शन दे रखिये एग्जाम्पल ऑफ एक्साम्पल देखिए इसके अंदर एडिशन हो नहीं रहा डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन मैगनीज है एम एन ओ फोर आपको बताया मैगनीज एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज क्या करता है जेड एन एम एन टू प्लस में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है उसके अंदर कन्वर्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रेडॉक्स का एग्जाम्पल देखिए तो इसके अंदर कॉपर क्या हो रहा है टू माइनस से जीरो हो रहा है अपने पास इंक्रीज हो हो रहा हो रहा है है ऑक्सीडेशन जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है इसके अंदर जीरो से प्लस वन ऑक्सीड सॉरी ये हो रहा है टू माइनस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो यानी टू प्लस से जीरो हो रहा है यानी रिड्यूस क्या कहेंगे रिड्यूज होगा ये और यहाँ जीरो से प्लस वन हो रहा है जीरो से प्लस वन होगा यानी जीरो से अगर प्लस वन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी इसके अंदर पोटेशियम जीरो से प्लस वन और फ्लोरिन जीरो जि, से माइनस वन में हो रहा है तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है बी ए सी एल टू ने फोर बेरियम इसके अंदर देखो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है इसके अंदर बेरियम का वैसा का वैसा है सी एल बी सल्फेट और हाइड्रोजन तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया जिसमें ना तो रिडक्शन हो रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन फिर आता है कि विच वन द फॉलोइंग कंपाउंड एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट तो भैया डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसके अंदर क्रोमियम प्लस सिक्स में है ये क्रोमियम प्लस सिक्स में है एनएच फोर के अंदर देखिए तो एन एच टू माइनस में रहता है एन एच टू माइनस तो ये थ्री प्लस में है इसमें भी नहीं है इसके अंदर देखिए तो एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस और एन ओ थ्री माइनस इसमें रहता है तो ये प्लस फाइव में होता है और ये थ्री माइनस में होता है तो एन एच फोर इसके अंदर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन

अगर काउंट करें तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ये अपने पास प्लस सिक्स है प्लस सिक्स है प्लस सिक्स ही बन रहा है यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही इसमें जेड एन टू प्लस है जेड एन हो रहा है रिड्यूस हो रहा है मतलब थर्ड ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वन सेवेंटी सिक्स ऑर्गेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम आपको नेम दिया है और उसका ये बताना है कि वो करेक्ट कौन सा इसमें तो फर्स्ट आपको दिया है थ्री इथाइल फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन तो, का फोर फोर तो फोर फोर पे ये फोर ठीक है मिथाइल दिया तो आपको ये चेक करना है कि नाम सही है या गलत है ठीक है तो काउंटिंग करते हैं बेटा काउंटिंग किस साइड से होगी लेफ्ट साइड से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री पे आपका क्या आ रहा है? और फोर पे क्या आ रहा है मिथाईल. इसका मतलब ये आपका करेक्ट है? है तो आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट बाकी ऑप्शन क्या है इसके Wrong. ठीक है? है. बेटा. का दिया है. आपको एक कंपाउंड दिया है और कंपाउंड में सी टू एंड सी थ्री है ना उसका hybridization पूछा आपसे सी टू एंड सी थ्री का तो सी टू काउंटिंग कहां से करोगे वन टू थ्री फोर

तो आंसर क्या होगा sp2 एंड sp c2 का sp2 होगा और c3 का क्या होगा sp नेक्स्ट क्वेश्चन 177 विच होमोलोगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द होमोलोगस सीरीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एसिटाइलिन एसिटाइलिन होता है ch ट्रिपल बॉन्ड ch नहीं इसको नहीं करेंगे ओलिफिन आपसे क्या दिया है cn s2n दिया ना और ये जो होता है ये किसका होता है बेटा एल्कीन का किसका होता है का और अल्किन को अपन क्या क्या बोलते बोलते है? बोलते हैं 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 179, 179 है। है। तो आप नंबरिंग करोगे वन टू थ्री ठीक है थ्री पे आपको, आपको मिथाइल सब्सिटेंट दे रखा है और यहां क्या दे रखा है इथाइल ऑक्सीजन पे तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे इथाइल को तो इथाइल टू मिथाइल

सेकेंड आपका क्या बनेगा आइसो पेंटाइल और थर्ड आपका क्या बनेगा नियो पेंटाइल राइट right? अब आपसे पूछे टोटल कितने बनेंगे तो बेटा इसके कितने बनते हैं वन टू थ्री टोटल कितने बनेंगे थ्री बनेंगे इसके कितने बनते हैं वन टू थ्री फोर टोटल कितने बनेंगे फोर और नियो से क्या बनेगा केवल आपके वन तो कितने हो गए थ्री फोर सेवन वन एट टोटल कितने बनेंगे बेटा एट आईसमर बनेंगे कितने बनेंगे एट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा ठीक है

सी एस थ्री बी आर में बी आर की साइड क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है तो आंसर ये भी नहीं होगा वन एटी थ्री आपसे पूछा है कि ये जो ग्रुप दिए गए इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो पहले चेक करते हैं ए एल सी एल थ्री एल सी एल थ्री में कितने बेटा तो ठीक है तो AlCl3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन SO3 SO3 भी आपके कितने हो गए बेटा लेविस एसिड की तरह का वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल ही है ठीक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और NO2+ NO2+ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल है तो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल है इसमें देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है ये रेडिकल है ये इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है एनएस थ्री रेडिकल हो गया लोन पेयर है एच टू के पास लोन पेयर है एनो टू इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इनमें न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तीनों आपके कौन से ए एल सी एल थ्री एसओ थ्री और एनओ टू प्लस है ना सिक्स ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल से इनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है है ना किसी में और किसी में पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ठीक है जो पॉजिटिव स्पीसीज होती है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है नेक्स्ट आ जाइए ज्योमेट्रिक ज्योम के लिए दो कंडीशन है बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या Kid. आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए प्रतिबंधित गुणन होना चाहिए फर्स्ट यानी डबल बोर्ड में होता है दूसरा आपके पास है कि कार्बन की दो वैलेंसी क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए डबल बोर्ड है कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है दोनों वैलेंसी डिफरेंट है शो करेगा यहाँ भी दोनों डिफरेंट है यहाँ भी दोनों डिफरेंट है शो करेगा यहाँ भी दोनों डिफरेंट है नहीं है देखो ये सी एस थ्री है और ये मिथाइल है एक कार्बन की दोनों वेलेंसी हो गए तो ये शो नहीं करेगा तो ये आंसर नहीं होगा ये आंसर नहीं होगा आंसर आंसर ही हो जाएगा। थर्ड आंसर हो जाएगा, शो नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड बेटा, क्योंकि और मिथाइल आपको आईपीएस नेम पूछा है काउंटिंग करनी होगी तो राइट साइड से इसकी काउंटिंग करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल डेक कार्बन प्रेजेंट है ठीक है कहा है क्या है C2H5. क्या है क्या क्या तो C2H5 कितने नंबर पे बेटा फोर इथाइल टू सिक्स डाई मिथाइल डेप फोर इन फोर पे क्या है इन तो सेकेंड आंसर हो जाएगा कौन सा जाएगा? हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा ठीक है वन एटी फाइव

तो क्या बनेगा सीएस थ्री कहां चला जाएगा आपका बेटा ऊपर सी ट्वेंट फाइव कहां जाएगा नीचे ये लीजिए राइट तो ये ग्रुप भी आपके चेंज होंगे दोनों तो एच आपका कहां दिखेगा ये देखो हाँ जी आपका क्या किया आपने यही है ना और ये आपका यहाँ पे क्या है बी आर और ये क्या होगा एच और ये क्या होगा एच और ये क्या होगा बी आर क्यों क्योंकि आपका ये वाला ग्रुप ऊपर जाएगा रोटेट होगा ध्यान रखना ये वाला सीएस थ्री ऊपर जा रहा है तो ये कार्बन आपका कौन सा हो गया ये वाला कार्बन है इसका बी आर इधर है

राइट right? थर्ड वाले में चेक करते हैं की ये है, ये वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है ये दोनों है दोनों है, सेम है, तो, ये भी आपके नहीं देगा. तो आंसर कौन सा थर्ड आंसर क्या होगा ऑप्टिकल करेगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपको ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज होनी चाहिए देखो न्यूट्रल कौन सी है फर्स्ट है न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी होगी फर्स्ट हो गई फर्स्ट के बाद में ध्यान रखना चार्ज आपके क्या होने चाहिए दूर होने चाहिए अब देखो यहां तो कौन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा अब आपको चेक करना है थर्ड में और इसमें तो दोनों चार्ज क्या है पास है बट रेजोनेंस क्या हो रहा है कम हो रहा है यहां रेजोनेंस क्या आपके पास ज्यादा है ठीक है लोन पेयर के साथ ये लीजिए तो यहां से कंपेयर टू किससे सेकंड से तो क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा और थर्ड के बाद क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा तो आंसर क्या होगा फर्स्ट फोर थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड सेकंड सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट थर्ड सेकंड इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोक एसिड टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइ तो ये है आपका वन टू थ्री फोर टू और थ्री पे क्या है ओवच ठीक है ये लीजिए ये लीजिए थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एसिड राइट वन फोर डाइक एसिड है।, है।, है, है।, है? है कौन सी होती है स्टेगर्ड आंटी जो होती है ना वो होती है उसमें क्या होनी चाहिए आपके जो दो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच दोनों के दोनों कार्बन के 180 पे, तो 180 पे

ठीक है एनओ टू एन सी एस थ्री का होल्थराइज और सीओ में तो से तो सबसे ज्यादा किसका होता है एन प्लस सी एस थ्री का होल्थराइज फिर किसका होगा एनओ टू का और फिर किसका होगा सी डबल होगा ठीक है तो ये आंसर होगा ये मैच करवा लेते हैं सबसे ज्यादा किसका होता है एन प्लस का एन प्लस का फिर किसका एनओ टू फिर किसका सी होगा का तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट आंसर हो जाएगा माइनस आई की सीरीज आपको याद रखनी होगी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कार्बोगटैन की स्टेबिलिटी उतनी है इसमें कोई ग्रुप नहीं है यहाँ सी एस थ्री है जिसका क्या लगेगा प्लस आई लगेगा यहाँ सी डी थ्री है जिसका क्या लगेगा प्लस आई लगेगा और ओ सी एस थ्री का क्या लगेगा माइनस आई सी डी थ्री और सी एस थ्री में ऑर्डर क्या होता है प्लस आई का सीएस थ्री का फिर सीडी थ्री का और फिर सीटी थ्री का राइट right? तो प्लस आई ज्यादा किसका होगा सी डी थ्री का तो ध्यान रखना प्लस आई जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी ज्यादा होगी प्लस आई ज्यादा होगा ओके तो प्लस आई ज्यादा किसका रहा है सीडी थ्री का फिर किसका रहा है सी एस थ्री का फिर कौन आएगा फर्स्ट और लास्ट में सबसे कम किसकी हो जाएगी जिसमें माइनस आई लग रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड सी डी थ्री सी डी थ्री से कम कौन होगा सी एस थ्री फिर कौन होगा आपका सिंपल कार्बोटेन जो है और फिर कौन सा है आपका माइनस आई वाला तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ आर पॉसिबल फॉर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन देते हैं बेटा जहां पे रेस्ट्रिकेट रोटेशन होता है प्रतिबंधित घूर्णन होता है कहां का हो रहा है यहां हो रहा है डबल बॉन्ड दोनों वैलेंसी डिफरेंट है एक यहां हो रहा है दोनों वैलेंसी डिफरेंट है दो यहां हो रहा है रिंग में भी होता है ध्यान रखना किसमें होता है रिंग में तो दोनों वैलेंसी इसकी भी डिफरेंट है तीन और एक यहां हो रहा है दोनों वैलेंसी डिफरेंट है तो दोनों के बाद तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू की पावर

ये देखें यहां कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का डिफरेंस हो दो कंपाउंड में है ना तो उनका अपन सेपरेशन कर सकते हैं किससे सिंपल डिस्टिलेशन से पीओसी का क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन राइट, राइट कर रही है राइट राइट है सफिशियंट डिफरेंस सफिशियंट डिफरेंस का मतलब होता है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड का कम से कम तो होना चाहिए उससे ज्यादा का हो सकता है इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिलेशन मेथड तो इसका रीजन भी क्या है सही है बात सही करें सफिशियंट डिफरेंस होगा तो उसे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा बोथ रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंटी 195 हेक्स वन इन वन इन कौन सा होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां डबल बॉन्ड है और क्या दिया हेक्स थ्री इन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ डबल बॉन्ड है ये दोनों आपसे कहा है आर आइसोमर बिल्कुल राइट क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो गई तो स्टेटमेंट क्या है सही है फिर कहता है द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्सिट्यूंट आर डिफरेंट इन पोजिशन आइसोमर कहते हैं कि पोजिशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सब्सटीटेंट और मल्टीपल बॉन्ड की क्या होती है पोजिशन चेंज हो रही है यहाँ किसकी पोजिशन चेंज हो रही है मल्टीपल बॉन्ड की ये वन पे है ये थ्री पे है तो ये बात भी क्या हो गई सही होगी रीजन असेशन को

ये रहा टू फोर डायन तो आईपीएस टू फोर डाइयोन होगा हाँ बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन आपका आपको दे next में कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर इन द कंपाउंड आपको compound दिया वो कौन सा कंपाउंड है? है 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 ध्यान रखना कौन सा ना और इसमें कारियल सेंटर कितने बेटा वन टू थ्री तीनों के आपके कारियल सेंटर है वाला जो है वो सीडो कारियल सेंटर है तो तीन कारियल सेंटर है और सिमेट्रिकल कंपाउंड में 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 कौन सा formula लगता है देखो दोनों दो लगेंगे odd भी लगेगा और even है ना तो क्या फॉर्मूला होता है पावर एन माइनस वन और एन कह दिया आपको थ्री तो क्या हो जाएगा टू की पावर थ्री माइनस वन इजिकल टू टू की पावर टू इजीकल टू कितना आंसर आ जाएगा फोर तो आंसर जो होगा आपका वो कौन सा होगा सेकंड आंसर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपसे पूछे हैं तो कितने होंगे 2 की पावर फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वन नाइन एट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड की स्ट्रक्चर आपसे पूछिए अब इसमें स्टेटमेंट आपको चेक करना है

और टोटल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितने फोर तो ये आपका नहीं होगा यहां चेक करें तो टू टू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन फोर और यहां पॉजिटिव है तो फोर इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया इसको चेक करें तो यहां भी कितने एरो इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर 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 तो ये कितने हो गए सारे है ना ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक नहीं होगा इसमें चेक करें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पाई बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टेन और टेन वाला क्या होता है एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं हक्कल के अकॉर्डिंग टू सिक्स टेन फोर्टीन ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होता है एरोमेटिक तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर आपका क्या होगा करेक्ट होगा राइट नेक्स्ट आ जाइए लास्ट आपको दिया हेक्जा वन थ्री डाई इन फाइव इन हेक्जा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको क्या दिया है वन थ्री डाई इन वन ये थ्री डाई इन और फाइव पे क्या दिया आई इन ये लीजिए ठीक है अब इसमें सिग्मा लगाओ तो यहाँ कितने एच आ जाएंगे दो यहाँ एक एच आएगा यहाँ एक एच आएगा यहाँ एक एच आएगा यहाँ एक एच है, एक है अब क्या पूछा है सी 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 सिग्मा तो तो एक ये हो गया पांच छ नहीं सॉरी ये तो हाइड्रोजन का हो गया एक दो तीन चार पांच, तो पांच पांच होंगे भैया सी बोन सी कितने होंगे पांच है दूसरा क्या क्या है सी सी पाई 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 कितने हो गए? एक, पाई नहीं है, ये वाला पाई है, वाला दो और दो इसमें हो गए चार हो जाएंगे कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे सी सी पाई और लास्ट आपको दिया सी एच सी एच काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छ छ हो जाएंगे तो फाइव फोर सिक्स फाइव फोर सिक्स आंसर आ जाएगा कौन सा आंसर आएगा फाइव फोर सिक्स ओके थैंक यू बेटा